बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सिक्योरिटी अहलकार समेत 39 अफराद जा बहक। रिजबक बाजार में धमाके से 4 अमवात। कलात में पुलिस और लेवीज के 10 अहलकार शहीद। मूसाखेल में मुसल्ला अफराद ने 23 निहत्ते अफराद की जान ले ली। बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद गोलियां मार दी। बोलान की पहाड़ियों से 6 लाशें मिली। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों के जाबहक होने पर सदर, वजीर आजम, वजीर दाखला की मजम्मत। कहा, किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान और बलोच दुश्मन अनासिर के आलाकार है। कतलेआम की मजम्मत करते हुए कहा कि ये अनासिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में अम से खेलना चाहते हैं। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात की तहकीकात लाहौर की अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि फरहान आसिफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। न्यूज़ पहले से शेयर हुई थी, फरहान ने आगे शेयर की। शकील खान के खिलाफ तमाम सबूत आवाम के सामने लाए जाएंगे। केपी में करप्शन के खिलाफ गुड गवर्नेंस कमेटी का ऐलान। कहा, फिलहाल किसी दूसरे वजीर से तफ्तीश नहीं कर रहे, सिर्फ शकील खान से मुतालिक नताइज पर तवज्जो मरकूज है। मेरी बैरक में चूहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बुशा बीबी का अदालत से मकालमा। कहा, नमाज पढ़ती हूँ, चूहे छत से गिरते हैं। मुल्क में मॉनसून के ताकतवर सिस्टम की एंट्री। जाम शोरों, बदीन, मटियारी, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद और हाला में बारिश। नशीबी इलाके जेरे आब। सिंध में 250 से 500 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। कराची में आज रात रिमझिम, कल से 31 अगस्त तक शदीद बारिश का इम्कान। वजीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम।